बच्चों, आज हम कक्षा 12 का व्यवसायिक अध्ययन का पेपर देखेंगे। इसके ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला इसका, हेनरी फेयोल ने कितने प्रबंध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 सिद्धांत। क्या हो जाएगा? 14 सिद्धांत। दूसरा है, भारत में अपनाई जाने वाली आर्थिक प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिश्रित आर्थिक प्रणाली। क्या हो जाएगा? मिश्रित आर्थिक प्रणाली। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नियोजन। क्या हो जाएगा? नियोजन। चौथा है, अधिकार अंतरण के कितने तत्व होते हैं? तो 3 हो जाएगा इसका उत्तर। पांचवा है, विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है? तो बाह्य स्रोत। क्या हो जाएगा? बाह्य स्रोत। दूसरा है, सत्य असत्य में उत्तर देना है। पहला है इसका, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं में प्राप्त है। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा है, अधिकार अंतरण सभी व्यवसायों में आवश्यक होता है। ये गलत हो जाएगा। तीसरा है, नियुक्तिकरण एक सतत प्रक्रिया नहीं है। यह सत्य हो जाएगा। चौथा है, नेतृत्व निर्देशन का एक अंग है। ये सही हो जाएगा। पांचवा है, नियंत्रण द्वारा अनुशासन की स्थापना होती है। ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सही विकल्प लिखना है। नियोजन प्रक्रिया का अंतिम बिंदु है क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा समीक्षा करना। नियुक्तिकरण का तत्व है, इसका उत्तर उपयुक्त सही हो जाएगा। निर्देशन के कितने तत्व होते हैं? तो 4 होते हैं। प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक है क्या है? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा, स्थायी पूंजी में सम्मिलित नहीं है क्या? नहीं है, देनदार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला इसका, शिक्षण संस्थाओं की में की जाने वाली भर्ती को क्या कहते हैं? परिसर भर्ती। क्या कहते हैं? परिसर भर्ती। दूसरा है, वित्तीय प्रबंध सामान्य प्रबंध की शाखा है। तीसरा है, वास्तविक प्रगति एवं प्रमाप के अंतर को विचलन कहते हैं। चौथा है, अल्पकालीन वित्तीय नियोजन सामान्यतः कितने वर्ष में? 1 वर्ष में, 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है। पांचवा है, भूमि तथा भवन में विनियोग स्थायी पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है। कौन पूंजी का? स्थायी पूंजी का। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, सही जोड़ी बनाना है। जैसे प्राथमिक बाजार है, प्राथमिक बाजार का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा नए निर्गमन। भौतिक वितरण का क्या हो जाएगा? परिवहन हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? परिवहन। तीसरा, पुरानी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, ये द्वितीयक पूंजी हो जाएगी, द्वितीयक पूंजी बाजार। नामकरण का वस्तु की पहचान, क्या हो जाएगा? वस्तु की पहचान। सेबी के मुख्य कार्यालय कहाँ है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छठवां है, प्रबंध के सिद्धांत की कोई 2 विशेषताएं बताना है। इसके अथवा में है, प्रबंध के सिद्धांत की परिभाषा दीजिए। सातवां क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक पर्यावरण से क्या आशय है? इसके अथवा में है, सामाजिक पर्यावरण से क्या आशय है? आठवां क्वेश्चन देखेंगे, व्यावसायिक पर्यावरण के महत्व को बताइए। इसके अथवा में है, व्यावसायिक पर्यावरण की कोई 2 विशेषताएं बताना है। नौवां क्वेश्चन है, नियोजन से क्या आशय है? इसके अथवा में है, नियोजन के कोई 2 लक्षण बताइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 10, नेतृत्व से आप क्या समझते हैं? इसके अथवा में है, पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं? अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11, यह प्रभावी नेता के गुणों को बताइए कोई 3। इसके अथवा में निर्देशन के महत्व को बताइए कोई 3, मतलब कोई 3 निर्देशन के महत्व बताना। 12वां क्वेश्चन देखेंगे, अभिप्रेरण के 3 उद्देश्य बताइए। इसके अथवा में है, मौद्रिक अभिप्रेरण के प्रमुख रूपों का वर्णन कीजिए। इसके कोई 3 बताना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 13, उपभोक्ता के अधिकारों का वर्णन कीजिए कोई 3। इसके अथवा में उपभोक्ता के उत्तरदायित्वों को समझाना है कोई 3 है। 3 नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14वां, उपभोक्ता संरक्षण के साधनों को समझाइए कोई 3। उपभोक्ता के किन्हीं 3 समस्याओं का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य बताइए। इसके अथवा में है, समन्वय की प्रकृति को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 16 देखेंगे, प्रबंध के प्रमुख कार्य की संक्षेप में विवेचना कीजिए। इसके अथवा में है, प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्वों को समझाइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संगठन के उद्देश्यों को बताइए। इसके अथवा में है, संगठन प्रक्रिया में निहित चरणों को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 18 देखेंगे, अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण में अंतर बताइए। इसके अथवा में है, अधिकार अंतरण प्रक्रिया को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 19 देखेंगे, स्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी में अंतर बताइए। इसके अथवा में देख
क्या है? वित्तीय प्रबंध को महत्व को बताइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 20, विज्ञापन के महत्व को बताइए। इसके अथवा में है विज्ञापन एवं विक्रय संवर्धन में अंतर बताइए। 21वां क्वेश्चन है, एक अच्छे नामकरण की विशेषताएं बताइए। इसके अथवा में है विपणन के कार्यों को समझाइए। 22वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रबंध के सिद्धांत का महत्व संक्षेप में समझाइए। इसके अथवा में है टेलर और फेयोल के सिद्धांतों में जो असमानताएँ हैं उनको स्पष्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 23वां क्वेश्चन है, नियोजन की सीमाओं का उल्लेख करो। इसके अथवा में है एक प्रभावपूर्ण नियोजन के आवश्यक लक्षण बताइए। 24वां क्वेश्चन देखेंगे, नियुक्तिकरण का महत्व बताइए। इसके अथवा में भर्ती एवं चयन में अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 25, नियंत्रण के कोई 5 विशेषताएँ बताइए। इसके अथवा में है नियंत्रण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों का उल्लेख कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 26 है, स्कंद विपणी के महत्व को समझाइए। इसके अथवा में है सेबी के कार्यों का वर्णन कीजिए।